हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल एंड मी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मोगरा प्लांट के ऊपर। अगर नहीं आ रहे हैं आपके मोगरा प्लांट पे एक भी फूल और प्लांट जो है आपका वो काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। ठीक है, हमने इसकी ये प्रूनिंग कब करी थी, फरवरी में करी थी। तो ये सारे के सारा जितना भी है इसमें, जितनी भी हमारी ब्रांचेज आई हैं, हमने सबको इसमें कट कर लिया था, पूरे प्लांट को। अब उसके बाद आप मार्च में देख सकते हो, इसमें मार्च में आई हैं बहुत सारी, जितनी हमने प्रूनिंग करी थी सिर्फ न्यू दो तीन ब्रांच थी इसमें जो हमने रहने दी थी, बाकी हमने सब कट कर लिया था। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी न्यू ब्रांच आई है। ये देखिए, ये अब इसमें बहुत सारे फ्लावर आएंगे, आपको दिख रहा होगा। अब फ्लावर इसमें खिलने को ही बिल्कुल तैयार है, तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो अब मार्च में मैंने क्या करा, थोड़ी थोड़ी सी इसकी हल्की सी ये गुड़ाई कर दी है अच्छे से। और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद आपको इसमें डालना है अब ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट को देगा बिल्कुल नई ग्रोथ, और इतने सारे फ्लावर आपके प्लांट पे आएंगे कि आप देख के दंग रह जाओगे कि इतने सारे फ्लावर कैसे आ गए हमारे प्लांट पे। तो आपको क्या करना है, इसकी गुड़ाई करने के बाद आप इसमें डाल सकते हो कॉफ़ी पाउडर। ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन देता है प्लांट को, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। तो आप इस तरीके से ये कॉफ़ी पाउडर इसमें डाल दें, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इसमें डालें पानी। ठीक है, पानी डालने से क्या होगा कि जितने भी इसमें जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से मिट्टी में घुल जाएंगे और आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें पानी डाल लेना है अच्छे से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पूरी तरीके से हमने जो पानी था हमारे पास वो हमने इसमें डाल दिया, ताकि बहुत अच्छे तरीके से जड़ों तक इसको ये सारे के सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट पर कर सकते हैं ये काम और पाएं बहुत सारे फ्लावर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।